फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के यूट्यूब की वीडियो को अपना स्लो मोशन में कैसे चला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन में यूट्यूब को ओपन करना है, ठीक है। यूट्यूब को ओपन करेंगे ना तो आपको यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो आपको प्ले करनी है, कोई भी एक वीडियो, ठीक है। अब देखिए, मैंने वीडियो यहाँ पे पहले से रोक के रखा हुआ है, अब मैं इसे प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो वीडियो है ये नॉर्मल चल रहा है अभी, ठीक है, तो हम इसे स्टॉप कर देते हैं। तो आपकी जो वीडियो है उसे आपको स्टॉप करना है और जो ये वीडियो के कोने में सेटिंग का जो आइकन है, सेटिंग के इस आइकन पे टैप करना है, ठीक है। आपका एक पेज आता है छोटा सा, इसमें आपको नीचे ना प्लेबैक स्पीड पे टैप करना है। तो आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए आपका नॉर्मल के आगे पहले से राइट टिक लगा हुआ रहता है, तो नॉर्मल के ऊपर वाले जो तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपके स्लो मोशन में काम करते हैं। जैसे 0.75 आपका स्लो मोशन में चलेगा, 0.5 आपका उससे भी ज्यादा स्लो मोशन में चलेगा, और जो 0.25 है ये आपका सबसे ज्यादा स्लो मोशन में चलेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 0.25 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे वीडियो कैसे स्लो मोशन में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग जो है अपने अपने हिसाब से यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में चलाते हैं। जैसे काफी सारे लोग जो है प्रोजेक्ट पे, असाइनमेंट पे या और भी बहुत सारे कामों पे काम करते हैं, जिसके कारण वो यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में चलाते हैं। मैं देखिए यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में क्यों चलाता हूँ, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कभी मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ ना, तो वीडियो में कभी कभार ऐसा एक पॉइंट होता है जो मेरे को समझ में नहीं आता, या तो वो पॉइंट ठीक से दिखाई नहीं दिया या तो वो सुनाई नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूँ यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में कर लेता हूँ, जिससे वो पॉइंट मेरे को समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब की वीडियो को स्लो मोशन में चला सकते हैं, ठीक है।